एक तरफ जहां पूरे देश में कोरोना महामारी में इलाज करने गए डॉक्टर अंकित मिश्रा का कोरोना योद्धा सम्मान से सम्मान किया गया। दयालबाग स्थित सभी कॉलोनी वासियों ने कोरोना योद्धा रहे डॉक्टर अंकित का फूल मालाओं से स्वागत किया। सभी कॉलोनी वासियों ने ताली बजाकर स्वागत किया। डॉक्टर अंकित मिश्रा के परिजन काफी खुश दिखाई दिए। उन्होंने परिजनों का पैर छूकर आशीर्वाद लिया। अभी मेरी खंडौली में हॉस्पिटल में सीएससी पर ड्यूटी लगी थी। वहाँ पे 30 टोटल मरीज थे, 30 में से 30 नेगेटिव निकले हैं और सबको डिस्चार्ज करने के बाद ही हम लोगों की खंडारी पे होटल विक्रम में 15 दिन का क्वारंटाइन हुआ था, जिसमें हमारे सारे मरीजों को, डॉक्टरों को अच्छी सुविधा उपलब्ध कराई गई है। मैं अपने प्रशासन का इस चीज़ के लिए तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहूँगा कि प्रशासन ने हमारा आखिरी दम तक साथ दिया और आगे भी हमारा प्रयास यही रहेगा कि हम कोरोना को जड़ से हटाएं। अभी चेन टूटी नहीं है। हमारा प्रयास सबसे पहला सोचना यही है कि चेन को ब्रेक किया जाए। बाकी चीज़ें चलती रहेंगी, लेकिन चेन को टूटना ज़रूरी है। अगर चेन नहीं टूटेगी तो उस चीज़ के लिए हमको भयानक रिजल्ट मिल सकते हैं। मेरा आप सब लोगों से यही निवेदन है कि इसी तरह सौहार्द। सम्मानित किए गए डॉक्टर अंकित मिश्रा का कहना है कि उनको परिवार के साथ साथ सभी शहरवासियों और प्रशासन का पूरा सहयोग मिला, जिसके चलते हौसला मिला और इस लड़ाई को लड़ने में आसानी रही और इस महामारी से लड़ाई लड़ने में कामयाब रहे। सम्मानित डॉक्टर ने कहा कि उनकी जब भी ज़रूरत पड़ेगी वे लोगों की सेवा के लिए तैयार रहेंगे और अभी भी लोगों से अपील की लोग सोशल डिस्टेंस के साथ साथ मास्क ज़रूर लगाएं और मोबाइल पर आरोग्य सेतु ऐप ज़रूर डाउनलोड करें और अपना और अपने परिवार का ध्यान रखने की अपील की। इसमें सबसे ज़्यादा परिवार की भूमिका रहती है। परिवार में परिवार के लोगों से के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, परिवार के लोगों के लिए मैं यही बोलना चाहूँगा कि जैसे शरीर में रीढ़ की हड्डी होती है, वैसे ही इस घर के लिए मेरे परिवार ने, मेरे कॉलोनी वालों ने, मेरे सारे मित्रों ने मेरा काफ़ी साथ दिया है। उन सब के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद हूँ। तब से हेल्प हो सकती है तो मैं बिल्कुल करूँगा और फिर मैं कोविड के लिए अपने जनमन धन पूरा लगाऊँगा। शहर के सभी देश लोग प्रभावित थे, उन लोगों से क्या कुछ कहना चाहेंगे कि किस तरह से रहें लॉकडाउन, कोरोना से किस तरह से बचाव कर सकें? जैसा कि हम लोग व्हाट्सएप पे आजकल पढ़ ही रहे हैं इस चीज़ के लिए कि कुछ बातों का अहम ध्यान रखने के लिए व्हाट्सएप पे आता रहता है, हमारे कलीग्स बताते रहते हैं, हमारे फ्रेंड्स बताते रहते हैं, हमारे परिवार वाले बताते रहते हैं। वही बातों का ध्यान रखना है कि सोशल डिस्टेंसिंग, हाथ सफाई का, ये चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो कोरोना ऐसा कोई भी बीमारी नहीं है जो हमारे आसपास भी भटक सके। थोड़ा डिस्टेंसिंग रखना है, मास्क लगा के रखना है और हैंड को सैनिटाइज अच्छे से करना है, साफ तरीके से धोना है। कि सभी लोग आरोग्य सेतु को अपनाएं और अपने फ़ोन में डाउनलोड करें। जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको डाउनलोड करेंगे अवेयरनेस उतनी ही बढ़ेगी। पहला हमारा गोल यही है कि साफ़ सफाई, मास्क और हैंड सैनिटाइजेशन का रखना है और डिस्टेंसिंग का अपने दिमाग में हमेशा इस बात का रखना है। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज़ इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज़।